बाहर ठंडा मौसम आम। चलो पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप के कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलती है। उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सर्व हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि अनुसूचित जातियों के अधिकारों का हनन हो रहा है और जो कानूनों का संचालन कर रहे हैं सर्व हिंदू अधिकारी है वो कर रहे हैं। जो सुविधाएं अनुसूचित जातियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए इन्होंने संविधान के निर्माण में इनका विशेष ध्यान रखा। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों के से आह्वान किया कि सरकार के अलावा लोक सेवा में बढ़ चढ़कर शामिल हो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों से आग्रह या आह्वान किया कि सरकार के अलावा उन्होंने अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और सरकारी सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। तो संविधान के पाठ जो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। संघवाद फेडरलिज्म, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी, और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। यानी कि भारत में राज्य स्तर पर सरकार है, केंद्र स्तर पर सरकार है और तीसरा स्तर है पंचायती स्तर, जो ग्रामीण वातावरण में या ग्रामीण समाज में देखने को मिलता है, जिनके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा और राज्यसभा केंद्र सरकार की होती है, और विधानसभा है वो राज्य सरकार में होती है, और पंचायतें होती है वो ग्रामीण स्तर पर होती है। तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर एक अच्छे समाज या राष्ट्र का निर्माण करना संविधान सभा का दायित्व था। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले न लेने लगे। यानी कि ऐसा शासन स्थापित करना पड़ेगा भारत में कि दिल्ली में जो बैठे व्यक्ति है वो पूरे देश के फैसले न लेके वहाँ भी निम्न स्तर पर कार्य करने वाले राजनेता है उनको भी कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यानी कि समृद्धि सूची विषय जो है राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। यानी समवर्ती राज्य सूची ये बातें होती ना, तो ये बात है कि केंद्र के जो फैसले हैं यदि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य को मानना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिन्हें बताया गया है कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसलिए इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने कार्यों के लिए जैसे पैसे का इस्तेमाल इंतजाम कहाँ से कर सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय प्रांत के प्रतिनिधि नहीं होते। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते।
यानी कि राज्य को भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं, कि केंद्र भी राज्य को कुछ आर्थिक सहयोग करती है और राज्य भी केंद्र को टैक्स वसूल करके कुछ पैसे सेंटर के खजाने में जमा करवाता। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। भारत में यानी कि भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत में ऐसी ही सरकार है संसदीय शासन पद्धति। भारत में संसदीय शासन पद्धति भी है। देखो, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। यानी भारत में चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा और विधानसभा का, और 6 वर्ष में होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव 6 वर्ष में होता है, और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष में होता है। और लोकसभा और विधानसभा में जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। सरकार के सभी क्षेत्रों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। यानी भारत का संविधान में 18 वर्ष का जो व्यक्ति या महिला हो चुके हैं उनको वोट का अधिकार प्राप्त है और उन्हें वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगता था कि स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय जनता को वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की पीढ़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि वोट का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को मिलने से, ये और सभी जातियों को मिलने से, इसमें ऊंच नीच और मर्द का फर्क समाप्त हो जाएगा और समाज में समानता का वातावरण बनेगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों का के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में, यानी कि हम जो चुनाव करते हैं अपने नेताओं का, उसमें जनता अपना मतदान का प्रयोग करती है और अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। यदि जिसके पास वोट बन चुका है आवश्यक है, उसको सरपंच के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है और MLA के लिए भी 21 वर्ष, और जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है उस उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे क्राइटेरिए आयु के हिसाब से बना रखे हैं भारत में चुनाव लड़ने के लिए, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। यानी गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यानी कि जो चुना जाता है उनको जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करना पड़ता है। यदि गलत काम करते हैं कोई, तो जनता उनसे जो सवाल जवाब करती है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ, लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा। संविधान, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ये 3 शक्तियाँ हैं, इनका हम आगे अब अध्ययन करेंगे। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। विधायिका यानी कि हम राजनेता चुनते हैं, विधायक है या सांसद है, वो विधायिका होती है। कार्यपालिका जो सरकारी कर्मचारी होते हैं
वो कार्यपालिका के अधीन आते हैं, और न्यायपालिका जहाँ न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय, ये तीन हिस्सों में बटे हुए हैं सरकार के अंग। तीन अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हम जिनको मतदान का प्रयोग करके हम जिनको जिताते हैं उन्हें प्रतिनिधि विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं, यानी सरकार जो कानून बनाती है और उनको लागू करवाना कार्यपालिका का काम है, और एक अच्छे शासन व्यवस्था बनाए रखना भी कार्यपालिका का काम। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि इन शक्तियां एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर अंकुश भी लगा सकती है यदि कोई गलत कार्य हो रहा है तो, और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखें इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना। सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है? कानून बनाना और उसको लागू करना। लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है, यानी कि भारत में 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं और 6 साल में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होते हैं। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य नेपाली राज्य की इस आधार पर हम भारतीय राज्य नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, न कि राजतंत्र। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं, से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, यानी कि राज्य से व्यापक, राज्य का मतलब सरकार से ज़्यादा महत्व रखता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्य एक क्षेत्र विशेष हो जाता है और सरकार है वो कभी किसी पार्टी की और कभी किसी पार्टी की बन जाती है, इसलिए राज्य रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं। ये चित्र देखो, इसमें क्या वर्णन है? संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपनी दायित्व की अपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सम्मिलित और नियंत्रित किया जा सके। मौलिक अधिकार। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पॉइंट 4। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। उपनिवेश शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का जवाब का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, यानी कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 का वर्णन है, 7 थे लेकिन एक संपत्ति का अधिकार था वह मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता को मनमाने और निंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, यानी कि सरकारें बदलती रहती है, जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को मिले हुए हैं
उनका सरकारों के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार सरकारों को नहीं है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। दोबारा देखें, इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान है वो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या या जनसंख्या कम हो वह अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके, यानी कि जिनकी आबादी कम है उस क्षेत्र में और दूसरी जनसंख्या आबादी ज़्यादा है, तो अल्पसंख्यक समुदाय चाहता है कि उनकी जो अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए और ऐसा कानून भारत में है। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। देखो दोबारा ये बात दोबारा दोहरा दी, फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदार कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वो चाहते थे स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाने वाले सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे, यानी कि एक ऐसा खंड भी दिया गया है कि भविष्य में भारत में गरीबी से छुटकारा दिलाया जाए और शिक्षित समाज किया जाए। तो ऐसे ऐसे सुविधा संविधान में दी गई है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में शामिल मुख्य अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। देखो धर्मनिरपेक्षता क्या, भारत में सभी धर्मों के व्यक्ति रहते हैं और कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, ऐसा भारत के संविधान में कहा गया है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि संविधान देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है। यानी कि जिस फुटबॉल के खेल में जो नियम होते हैं यदि उनको बदल दे तो फुटबॉल का खेल बदल जाएगा, वैसे ही देश का संविधान बदल जाएगा। में बदलाव कर देते तो देश के में बदलाव देखने को मिलेगा, वहाँ देश की बुनियादी स्वरूप भी बदल जाएगा। हम नेपाल में देख चुके हैं वहाँ की लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हुई, यानी नेपाल में राजतंत्र था और अब वहाँ पर लोकतंत्र का स्थापना की गई और एक नए संविधान की स्थापना भी की गई। ऊपर हमें भारतीय संविधान के जिन अध्यायों का जिक्र किया है उन्हें कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। चलो एक बार ये देखो, ये चित्र में भारत के संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
और वल्लभ भाई पटेल जी और भी व्यक्ति है संविधान सभा के सदस्य थे, उनके बारे में हम ये वार्तालाप करेंगे। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी कि संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे वह सिग्नेचर कर रहे हैं। ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तक कर रहे हैं, दूसरे चित्र में देखो जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये सभी 5-7 संविधान सभा के सदस्य हैं वो दिख रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे, श्री जय रामदास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाएगा उनको, किसको बनाएगा, भारत का पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री जय रामदास दौलतराम को। राजकुमार अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री बने थे, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई, और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, भारत के पहले राजकुमारी अमृत कौर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी बनाया गया था, और उनके पीछे श्री जगजीवन राम और श्रम मंत्री खड़े हैं, जगजीवन राम है और श्रम मंत्री बनाए गए थे। चलो अब हम भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार है समानता का अधिकार। कानून के नज़र में सभी लोग समान है, इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है, यानी खेलने को, होटल में खाना खाने को, दुकान लेने या बिजनेस करने को सभी को समान अधिकार है, यह समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी अनुमूलन कर रहा है, यानी छुआछूत भारत में विद्यमान थी, पाई जाती थी, लेकिन समानता के अधिकार के अनुसार यदि कोई छुआछूत का व्यवहार करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा करने का, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तक कोई भी व्यवसाय और पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता यानी कि देश में कहीं भी सभा कर सकता है जो देश विरोधी नहीं हो, और भाषण देने की भी स्वतंत्रता है, और देश में कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि किसी का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, यानी कि भारत में मानव व्यापार कोई करता है तो उसको कड़ी सजा का प्रावधान है, ये अब कानून बन चुका है। जबकि श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है। हाँ देखो तो 14 वर्ष की आयु जिस बच्चे की है, नहीं हुई है, उसको मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। 14 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को मजदूरी पर रखा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, यानी कि भारत में कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ये संविधान में वर्णन है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं शैक्षणिक अधिकार, और अपनी शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं, अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं, अपने जो पहनावा पहनने की संस्कृति, खाने पीने की संस्कृति है,
या अपने जो रहने की रिवाज है उनको अपनी बनाए रखने का सभी को अधिकार है। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि मेरा यहाँ शोषण हुआ है तो वह व्यक्ति अदालत में जा सकता है और अपने अधिकार की मांग कर सकता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि उस कभी समय के अनुसार संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है और उसमें समाधान भी अच्छा निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एनसीईआरटी की अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।